बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम बरीरा अफजल फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज हम पीपीएससी लेक्चर बायोलॉजी मेल और फीमेल का पेपर 2021 डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिमिलैरिटी टूल एंड होमोलॉजी। बेसिकली जो ब्लास्ट है वो रीजन्स, इट फाइंड रीजन्स ऑफ लोकल सिमिलैरिटी बिटवीन सिक्वेंसेज एंड इट एक्चुअली कंपेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स, सो इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ब्लास्ट सी इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। साइनो एट्रियल नोड विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट एट्रियम एंड इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट, सो बी इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड MCQs, द फाइलम विच कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज अबाउट 10 मिलियंस आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। नंबर फोर्थ, द पॉल्यूटेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्लिंग ऑफ लीव्स। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्लिंग ऑफ लीव्स। टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में है वो राउंड अबाउट 18% होता है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3% और जो बाकी एलिमेंट्स में ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो 4% होते हैं। नंबर सिक्स इज द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की परसेंटेज है वो 0.04% है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन गैसेस 0.9% एंड अदर गैसेस आर प्रेजेंट 0.17%। डिस्टॉर्ट मीन्स डिसऑर्डर्ड और डिफॉर्म, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट हैपन्स टू क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो बेसिकली कंजर्व करता है क्रोमोसोम का नंबर, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेम रहते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। विंडसर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। सेलेक्ट द सिमिलर रिलेशन ब्रेड टू व्हीट। ब्रेड इज अ प्रोडक्ट एंड व्हीट इज अ सीरियल, सो इट्स सिमिलर रिलेशन इज ऑयल टू कॉर्न। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द करंट सीईओ ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स लिमिटेड। इन 2021 द करंट सीईओ वॉज जहीर अहमद खान। The metabolic process which occurs in mitochondria. Mitochondria में electron transport chain और Krebs cycle जो है ये process होते हैं, जबकि protein received और processed ये Golgi apparatus का function है। Photosynthesis chloroplast में होता है। Carbohydrates और steroid metabolism endoplasmic reticulum में है, so D, none is a correct option. Which of the following is conjugated protein? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन एटसेट्रा। एल्ब्यूमिन, हिस्टोन और ट्यूबुलिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स नहीं है, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एनिलिड्स हैव सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज। एनिलिड में वेजल्स होती हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। द म्यूटेशन विच मेक्स द कोडॉन स्टॉप कोडॉन इज। इट इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन विच एक्चुअली स्टॉप्स द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, सो इट मेक्स द कोडॉन स्टॉप कोडॉन। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, सेल की ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं, सो ऑल आर करेक्ट।
Chromosomes in bone marrow during anaphase contains, एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम हैं वो सिंगल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होते हैं. सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड ऑन ऑल द पेजेस. एवरी पेज पर जो है ये हेडर और फुटर प्रिंट होता है. सी इज करेक्ट ऑप्शन. व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकेम द कैपिटल सिटी. पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से 1959 तक कराची जो है उसको कैपिटल सिटी बनाया गया और उसके बाद 1959 से 1967 तक रावलपिंडी कैपिटल रहा. फिर 14 अगस्त 1967 से ऑनवर्ड इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल सिटी माना जाता है. एफिड्स आर विविपेरस. एफिड्स जो है वो बर्थ बेबी बर्थ होती है इनमें. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. स्टडी ऑफ जीनोमिक्स ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोजेनोमिक. हयाते जावेद इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ. हयाते जावेद सर सैयद अहमद खान की ऑटोबायोग्राफी है. मिल्लत का पासबां है पोयम इज रिटन बाय मियां बशीर अहमद. मियां बशीर अहमद ने ये पोयम मिल्लत का पासबां है फर्स्ट टाइम इन्होंने ये लिखी थी और फर्स्ट टाइम 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे पर लाहौर में इन्होंने पढ़ी थी. हु प्रेजेंटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. वाल्टर सर्टन एंड थियोडोर बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रेजेंट किया. वाल्टर सर्टन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जबकि थियोडोर बोवेरी जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे. एफिल टावर इज प्रेजेंट इन पेरिस फ्रांस. द बिगेस्ट इनवर्टिब्रेट जो बिगेस्ट इनवर्टिब्रेट है वो कोलोसल स्क्विड या इसे जाइंट स्क्विड भी कहा जाता है. ये तकरीबन 13 मीटर लंबा होता है या 43 फीट. Entomology is a study of insects. Which is the biggest or largest snake in the world? It is green anaconda, which is the largest one. Deficiency of protein is known as a kwashiorkor. The bond present between two amino acids is two amino acid ke beech mein jo bond hai ek amino acid ke hydroxide group ko remove karne se aur dusre ke hydrogen atom remove karne se banta hai ye peptide bond kehlata hai. D is a correct option. Dash your shoes before enter the room. Take off your shoes. B is a correct option. Lucknow pact was signed between. लखनऊ पैक्ट जो है वो मुस्लिम लीग इंडियन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में साइन हुआ था. उस वक्त मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना थे जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और ये दिसंबर 31, 1916 में जो है ये साइन हुआ था. इंसुलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. इंसुलिन फर्स्ट टाइम जो है फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने डिस्कवर की. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू विच ऑर्गन. स्पाइरकल्स के जरिए इंसेक्ट्स ब्रीदिंग करते हैं. स्टडी ऑफ जीन पूल इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट. प्लूरिपोटेंट इसलिए हैं कि इनसे ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो है आगे बन सकते हैं और ये किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते जबकि जो टोटिपोटेंट सेल्स हैं वो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप करने के काबिल होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक डिजीज. नन ऑफ दीज इज अ सेक्स लिंक डिजीज. The fully expressed allele is called as
जो अलील फुली एक्सप्रेस हो जाए और दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट कहलाता है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट चेंज बाय चार्ज। चार्ज से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। साइबर ग्रीन डाई, साइबर ग्रीन डाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग डाई है। डायफ्राम मैमल्स का एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर है, जस्ट मैमल्स में ये पाया जाता है। स्क्वैश प्लेयर डाइड ड्यू टू कोविड वाज आजम खान। क्रोमोसोमल थ्योरी जो वाल्टर सर्टन और थियोडोर बवेरी ने प्रेजेंट की थी 1902 में प्रेजेंट की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर प्रेजेंट। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ में दिया गया है और इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एसिडियंस बिलोंग टू विच फाइलम। एसिडियन का ताल्लुक कॉर्डेटा फाइलम से है जबकि सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स है। इन्हें सी स्क्विड भी कहते हैं। विच स्पाइडर आर नॉट, वाई स्पाइडर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंसेक्ट्स। स्पाइडर्स में 8 लेग्स होती हैं, ब्रीदिंग बुक लंग्स के जरिए होती है और 4 पेयर ऑफ आइज मौजूद हैं, जबकि अगर हम इंसेक्ट्स को देखें तो उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं और स्पाइरकल्स के जरिए ब्रीदिंग होती है और यूजुअली 2 आइज जो है मौजूद होती हैं। दैट्स वाई ऑल आर करेक्ट। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ग्रुप कंटेन्स एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। स्पेलोपोड, स्पेलोपोडा का ताल्लुक फाइलम मोलस्का से है और इसमें एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नॉर्थ अमेरिकन एग्रीगेशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच में साइन किया गया था। स्पोरोफाइट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ, स्पोरोफाइट जनरेशन फूड सीटी और कैप्सूल पर मुश्तमिल होती है। ये एक इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। वी सेड टू द टीचर वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका करेक्ट जो है आंसर वो वी टोल्ड आवर टीचर दैट वी हैड कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट। ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड ऑन बॉटम, जो ऑर्गेनिज्म बॉटम पर रहते हैं वो बेंथोस कहलाते हैं, जबकि नेक्टोन जो है वो एक्टिव स्विमर्स होते हैं लाइक शार्क, और प्लांकटोन जो ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग होते हैं उनको प्लांकटोन कहते हैं, जबकि न्यूस्टोन माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर की सरफेस पर रहते हैं और वो खुद से मूव नहीं कर सकते जबकि वाटर करंट के जरिए उनमें मूवमेंट होती है। सो बेंथोस ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा जाता है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन जिनको डीएनए ने रैप किया होता है ये एक बीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। विच वन इज इंटर सेलुलर मैसेंजर। एक्सोसोम जो है वो इंटर सेलुलर मैसेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर रिसेप्टर ऑफ स्किन। स्किन के जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं वो पेसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं, जबकि नॉसिसेप्टर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। मिजनर्स कॉर्पसल्स जो हैं ये टच रिसेप्टर्स होते हैं और थर्मो रिसेप्टर हीट या टेम्परेचर को जो है सेंसिटिव होते हैं। सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। फाइलोजेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप जो है वो हम फाइलोजेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कट विच बॉन्ड। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो डीएनए का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसकी कटिंग करते हैं।
फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस इज, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था वो हिंट टू था. द ट्रेट इन विच फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन ट्रेट इज पॉलीजीनिक ट्रेट, कि एक ट्रेट को एक से ज्यादा जीन यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो उसका फिनोटाइप दे रहे होते हैं, ये पॉलीजीनिक ट्रेट कहलाता है. फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. बायोपायरेसी, बायोपायरेसी बेसिकली जो है वो इलीगल यूज है, ये एक तरह की चीटिंग है कि किसी भी कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इलीगली यूज करती हैं उनकी परमिशन के बगैर. तो दूसरी तरफ अगर हम देखें पेटेंट, पेटेंट का मतलब है कि किसी इन्वेंटर को उसकी न्यू इन्वेंशन पे जो है वो कोई राइट ग्रांट करना. सो बायोपायरेसी और पेटेंट, बायोपेटेंट का आपस में रिलेशन है, बायोपायरेसी को हम पेटेंट भी कह सकते हैं. ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. इफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज अगर दे कैन बी चेक्ड बाय, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को हम फिश फ्लोरसेंस इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए चेक कर सकते हैं. डैश एंड देयर डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स बॉडी में पाए जाते हैं. विच सीक्वेंस इज करेक्ट इन ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफ्ट ने पहले लिविंग एस स्ट्रेन जो कि विरुलेंट था इसको जब इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ हो गई, फिर उसने लिविंग आर स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट था उसको इंजेक्ट किया तो माउस जो है वो जिंदा रहा. जब डेड स्ट्रेन एस स्ट्रेन जो कि हीट के जरिए जिसकी डेथ की गई थी उसको इंजेक्ट किया तो भी माउस जो है वो जिंदा रहा, और जब लिविंग आर स्ट्रेन और डेड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ हो गई. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, डेड एस स्ट्रेन माइस अलाइव. इफ 1000 किलो कैलोरी एनर्जी इज एट फर्स्ट लेवल देन व्हाट एनर्जी विल बी एट द फोर्थ लेवल, हर लेवल जो है वो 10% एनर्जी यूज करता है और उसमें 90% एनर्जी डिसिपेट हो जाती है. अगर प्रोड्यूसर्स के पास फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 1000 किलो कैलोरीज की एनर्जी है तो नेक्स्ट में 100 किलो कैलोरीज जाएंगी, उससे नेक्स्ट 10 और जो फोर्थ लेवल है वहां पे 1 किलो कैलोरी की एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स पे होती है. फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा वॉज मेड बाय डेहॉफ, डेहॉफ ने फर्स्ट टाइम बायो इन्फॉर्मेटिक डेटा जो है वो बनाया. नेचुरल साइटोकाइनिन, प्लांट का जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो जीटिन है. एटीपी इन एनिमल्स इज फॉर्म्ड बाय, एनिमल्स के अंदर एटीपी दोनों प्रोसेस से बन सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से भी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से भी. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. लिमार्क डिस्कस पॉइंट्स इन हिज थ्योरी आर, लिमार्क ने डिस्कस किया कि न्यू नीड्स अराइज इन एनिमल एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द एनवायरमेंट, इट इज अ ट्रू. यूज लीड्स टू एन इंक्रीज इन साइज एंड द डिसयूज ऑफ अदर पार्ट्स लीड्स टू द देयर डिक्लाइन, यस इट्स ट्रू. Living things evolve in continuously upward direction. Yes, it is also true. So D is a correct option. Relationship in which one organism is benefited and other has no effect. एक organism को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को ना फायदा होता है ना ही नुकसान, ये relationship कहलाता है commensalism. Which is a complementary DNA sequence for this given sequence. एडिनिन के अगेंस्ट थायमिन पेयरअप होता है, गुआनिन के अगेंस्ट साइटोसिन, थायमिन के अगेंस्ट एडिनिन एंड साइटोसिन के अगेंस्ट गुआनिन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. इन बैक्टीरिया
स्पेशलाइज सेल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो हेटरोसिस्ट करते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटिहेलमिंथेस इज प्रोटोनेफ्रिडिया, मीन्स फ्लेम सेल्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एडेप्टेशन की एग्जाम्पल हैं। हाइब्रिड जीनोटाइप एक्सप्रेशन इज, अगर जीनोटाइप हमें ऑफस्प्रिंग में हाइब्रिड मिले तो ये कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है। वायरसेस आर, वायरसेस बेसिकली बॉर्डर लाइन पे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की, सो इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन, नो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ओन, एंड दे ऑल्सो कैन नॉट कंडक्ट मेटाबोलिज्म, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। द लेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है लॉन्ग, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हार्मोनल हीट प्रोडक्शन रेगुलेट्स, हार्मोनल हीट प्रोडक्शन जो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की रेगुलेशन करते हैं। व्हाट इज एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हार्डे वाइनबर्ग, हार्डे वाइनबर्ग के अकॉर्डिंग जो है नो चेंज, देर इज नो चेंज व्हेन द फैक्टर्स आर कांस्टेंट, कांस्टेंट फैक्टर्स पर कोई भी चेंज, जब कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स मौजूद ना हो तो कोई भी चेंज नहीं होता, सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तैयब उर्दगान एड्रेस्ड विद पाकिस्तानी पार्लियामेंट 4 times। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन आर नॉट कैरियर जेनेटिक, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज बेसिकली द डीएनए विच कैरीज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इबोला फ्री, कॉन्गो कंट्री इज बेसिकली डिक्लेयर्ड द इबोला फ्री, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। Swyer-Chatz syndrome is due to the monosomy in chromosome number 5. Chromosome number 5 में monosomy की वजह से होती है। If baby has blood group A, then parents possess. अगर baby में chromosome, baby का जो है blood group A है तो parents का blood जो है वो homozygous A होना चाहिए और हेट्रोजाइगस बी, सो दैट द बेबी हैव ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए। 4G इज हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन 3G, 4G इज 5 to 7 टाइम्स फास्टर देन 3G, सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। हु इज अ जज ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट के जज जो है रॉबर्ट स्पैनो है। 4.5S RNA is found in E. coli. 4.5 जो है RNA ये E. coli में पाया जाता है और इसके न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज 114 है। मौलाना वहीदुद्दीन ने राउंड अबाउट 200 बुक्स लिखी। इस परचम के साए तले नेशनल सॉन्ग नयरा नूर ने गाया। True about enzymes. Enzymes, most of the enzymes are protein. Swissport was established. Swissport 1986 mein established hui. Numeric is a primary key. Simoria is a ancestor of which reptile? Simoria jo hai, wo basically connecting link hai amphibians aur reptiles ke beech mein. डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एक्डाइसिस और मोल्टिंग अकर्स, एक्डाइसिस और मोल्टिंग जो है वो मोस्टली बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और क्रस्टेशियंस में होती है, सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बेलेनिफॉर्मीज इज अ ऑर्डर ऑफ फ्लाइंग फिश, रे फिन फिशेस। वो इंसेक्ट्स जिनके पास इमेच्योर स्केल्स हों वो क्रॉलर्स होते हैं। 3D
shape of protein is maintained due to इंटरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. पॉलीपेप्टाइड चेन्स के इंटरेक्शन की वजह से ये 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का मेंटेन रहता है. द क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेटाफेज आर फॉर कैरियोटाइपिंग के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज से लिए जाते हैं. नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी. किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन का नंबर है वो 1 मिलियन तक होता है. रेड डेटा बुक इज फॉर. रेड डेटा बुक जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स का जो है डेटा प्रोवाइड करती है. जीन्स आर लोकेटेड बाय जीन मैपिंग. जीन्स की लोकेशन हम जीन मैपिंग के जरिए कर सकते हैं. डिस्टिंक्ट गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन. डिस्टिंक्ट गैमेटोफाइट मॉसेस लिवरवर्ट्स हॉर्नवर्ट्स सब में ही पाया जाता है. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स. साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड भी कहते हैं. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. इक्वल चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस. ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के इक्वल चांसेस होते हैं. The strand which coiled upon itself forming hydrogen bond is alpha helix. Immediate transcript after transcription is. Transcription के फौरन बाद जो transcript हमारे पास आता है वो pre-messenger RNA होता है जिसमें introns भी मौजूद होते हैं and after splicing ये फिर mature messenger RNA में convert हो जाता है. So B is a correct option. Control plus S is used to save. Mytilus belongs to class Bivalvia. ये phylum Mollusca की class है. Vectors used for human is bacteriophage को human के लिए use किया जाता है. What is 6% of 18? बेसिकली जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो परसेंटेज ओवर 100 इज इक्वल टू पार्ट ओवर होल. जैसे कि यहाँ पे हमें 6% दिया हुआ है सो 6/100 इज इक्वल टू पार्ट ओवर 18. 18 यहाँ हमारे पास टोटल अमाउंट है. अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 6 into 18 divided by 100 हमारे पास आंसर 1.08. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. जीन्स फॉर मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पर मौजूद होते हैं. कर्नोसाइट्स जो के स्पॉन्जेस में मौजूद होते हैं ये बेसिकली वाटर करंट को रेगुलेट कर रहे होते हैं. सो नन ऑफ दीज फंक्शन आर करेक्ट. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट होता है. नेट एटीपी प्रोडक्शन. एक ग्लूकोज से जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो 36 एटीपीज हैं. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अमोनिया को सिक्रेशन के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है. सो फ्रेश वाटर फिशेज जिन्हें वाटर की कमी का सामना नहीं होता ये बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट करते हैं. डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव जो है वो विटामिन बी ग्लूकागन या एल्ब्यूमिन नहीं है. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अकर एट. कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट जहां पे एक दूसरे के साथ आके मिलती हैं उस पॉइंट को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं. इनवर्टेड क्रोमोसोम्स आर नॉट वायबल. दे आर नाउ नॉन फंक्शनल. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. मटीरियल जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन.
इज ड्यू टू डीएनए सीक्वेंस के इंसर्शन या उसके डिलीशन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है. सो डी बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. व्हाट टाइम इज इट, ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. दिस इज डिफरेंट, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होगा. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. द रिलायबल सोर्स ऑफ पेरेंटल लाइनेज स्टडी इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. एवरेज, द एवरेज मोलेक्युलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड इज राउंड अबाउट 110 डाल्टन. विच प्रोटीन हैज जिगजैग अपीयरेंस, H1, स्टोन H1 की जो अपीयरेंस है वो जिगजैग होती है. एंजाइम्स विच आर यूज टू कट डीएनए, जो डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बीड ऑफ डीएनए, की 8 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमेर जो है जिसे डीएनए रैप करता है, ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल. मेटाफेज वो स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम शॉर्ट भी हो जाते हैं और थिक भी हो जाते हैं, और यही स्टेज है जहां पे हम क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय वाल्डर फ्लेमिंग. मिसिंग और हैविंग एन एडिशनल क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम मिस हो जाए या एक एडिशनल क्रोमोसोम मौजूद हो, एन्यूप्लॉयडी कहलाती है. SV40 और पेपिलोमा वायरस जो है वो कैंसर कॉजिंग होता है. इंसेक्ट्स बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. इनएक्टिव और जो रेस्टिंग स्टेज है इंसेक्ट की वो प्यूपा कहलाती है. सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. GUS जीन्स वॉज रिपोर्टेड बाय, GUS जीन जो है फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट की गई थी रिचर्ड एंथोनी जेफरसन ने. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ये जीन्स बेसिकली रिपोर्टर जीन्स हैं जो कि प्लांट के जीनोम के साथ ब्लू कलर देती हैं. द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड, वो इंसेक्ट्स जो एक ही टाइप के फूड पर फीड करते हैं मोनोफेगस कहलाते हैं, लाइक कॉफी बेरी बोरर. अब ब्लू कलर, ब्लू अ ब्लू फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट and the next generation of plants all have light blue flowers. What has most likely occurred? अगर blue और एक white color flower को जब उनमें cross कराया गया तो next generation में अगर light blue color आया, so it is an example of the incomplete dominance. Blend होके color जो है वो appear हुआ. Thread like structure present in nucleus is called as a chromosome. कार्बन फाउंड इन एटमोस्फियर इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इज नॉट अ कार्बन कंपाउंड. विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे ही कार्बन कंपाउंड है. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन के अंदर सारे अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. बायोरिदम्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली बायोरिदम्स को कंट्रोल करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन इकोलोकेशन, इकोलोकेशन के अंदर जो है वो बैट्स इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्टिकल फाइबर सिलिका का बना हुआ होता है, सिलिका कोर और क्लैडिंग इसमें होती है. N2 जो एटमॉस्फेयर में एयर में रिलीज करते हैं वो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. कंप्यूटर सिमुलेशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज कॉल्ड एज
इन सिलिको कहलाती है ये। द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेर कहलाता है। हाउ इज डीएनए मिथाइलेशन मैप्ड? डीएनए मिथाइलेशन जो है वो जीनोमिक साइलेंसिंग के जरिए मैप की जाती है। टर्माइट्स का साइंटिफिक नेम आइसोप्टेरा। द सिंड्रोम विच इज ड्यू टू ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम 21 पर ट्राइसोमी हो जाती है, नॉन डिसजंक्शन होता है और ये सिंड्रोम कहलाता है डाउन सिंड्रोम। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कंपिटिटिव भी होते हैं और नॉन कंपिटिटिव भी। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अर्केनड्रोप्लेसिया कॉजेज, ये बेसिकली जो है वो ड्वार्फिज्म का बायस बनती है। ये बोन ग्रोथ की डिजीज है जिसमें आर्म्स और लेग्स जो है वो मुकम्मल तौर पर ग्रो नहीं कर सकती। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। गॉल क्राउन डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, ये स्टेम्स पर और रूट्स पर जो है ग्रोथ होती है। टीआई प्लाज्मिड कैन नॉट सर्वाइव अबव 28 डिग्री सेंटीग्रेड। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं और इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। डीएनए माइक्रो एरे इज रिप्लेसमेंट ऑफ विच प्रीवियस टेक्निक, डीएनए माइक्रो एरे जो है वो सदरन ब्लॉटिंग की रिप्लेसमेंट है और सदरन ब्लॉट में जो है वो सिंगल प्रोब को इस्तेमाल किया जाता है जबकि डीएनए माइक्रो एरे में मिलियंस ऑफ डिफरेंट प्रोब्स जो है वो यूज किए जाते हैं। सीडीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इन माइक्रो एरे, माइक्रो एरे में सीडीएनए जो है वो इन्वॉल्व होता है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर एंड मॉडल्स ऑफ लाइन, ये ड्राइलैब कहलाती है। शेप ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए की शेप ये तीन शाखों की वजह से इसको क्लोवर लीफ की तरह जो है वो कहा जाता है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। सिंगल अमाइनो एसिड कोडेड बाय मल्टीपल कोडॉन, एक सिंगल अमाइनो एसिड लाइक ल्यूसीन इसको अगर मल्टीपल कोडॉन जो है वो कोड कर रहे हो तो ये जो है डीजनरेट कोड कहलाता है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।